हेलो, मैं डॉक्टर सचिन कुमार, मैं एक साइंटिस्ट हूँ सरदार सुवर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी में, जो कपूरथला में स्थित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। मुझे पंजाब सरकार द्वारा तालमेल कमेटी का मेंबर चुना गया है, जिसके नाते हमारा आज डिस्कशन हुआ किसानों के साथ, जिसमें उन्होंने जो मुद्दे रखे उनमें जो उनके कंसर्न हैं उनमें कुछ वाजिब हैं, कुछ चीज़ें जिनको उनको भी समझना चाहिए। जैसे कि वो जो बात कर रहे हैं थैलेट है या पेस्टिसाइड्स या इनके जो भी ट्रेसेस उसमें आते हैं, तो वो बायोमास में आने हैं क्योंकि फार्मर्स खेतों में उसको यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ बायोमास में ही नहीं है, वो हमारे खाने में भी आते हैं। अब हमें देखना है कि उस बायोमास को हम डिस्पोज कैसे करेंगे। तो बायोगैस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी के तौर पे अच्छे से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अब बायोगैस एक नेचुरल प्रोसेस भी है, उसको हम एक सिस्टम में लाके करते हैं जिसमें कि कोई ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड्स अपनी तरफ से नहीं बनता है जो कि कैंसर या और किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो मेरा यही सबमिशन है कि फार्मर्स भाइयों को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको अडॉप्ट करना चाहिए बेसिकली। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बराड़, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ओंकोलॉजी, जिन्होंने कैंसर सर्जरी भी कहते हैं, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना तो हाँ। मेरे को काफ़ी क्वेरीज आईया, कई ने पूछा कि पंजाब में कुछ बायोगैस प्लांट्स लग रहे हैं कि उन्होंने जी कैंसर का मरीज ने वो बढ़ जाएंगे, ते उस उत्ते असी मैं ते मेरी बाकी दे सहयोगी टीम ने स्टडी कीता। असी बाकी कंट्रीज दे बाकी देशों दे तो स्टडी कीता जो उन्हां दे बनाए नॉर्म्स बनाए जां होर है, तां किसे दे विच भी बायोगैस प्लांट है जिहड़ा बायोगैस प्लांट दे नाल कैंसर दा कोई डायरैक्ट रिस्क लिंक्ड नहीं हैगा, इहदे नाल डायरैक्ट कैंसर नहीं वधदा हैगा, कोई डायरैक्ट नहीं हैगा बायोगैस प्लांट दे नाल। हाँ, ये जरूर हैगा कि उहदियां जिहड़े उहदियां नॉर्म्स ने जिहड़े शर्तां ने गियां वो पूरियां होण, ते जिहड़े भी उहदे एफ्लुएंट्स ने विद इन परमिसिबल लिमिट्स होण, उस ते बाद इहदे विच कोई ज़्यादा खतरा वाधा नहीं है। धन्यवाद।